ओम नमः ओम नमः ओम नमः नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो रोये सवसाहूलम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदर्ष सिद्धार्थम संदर्शार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाजोजैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो चाहे आते वही अरहंताज महान ओम नमः। जैसे माता छोटे से बालक के लिए पलने के चारों ओर एक जाल लगा देती है जिससे वो करवट तो बदल ले परंतु गिर करके जमीन पर न लाए, ऐसे ही हमारे श्री गुरुओं ने जिनवाणी माता ने जिनेश्वर के लघुनंदन कहा जाता है ना मने, हम सब छोटे से बालकों के लिए ये सठावस्या का कहो अथवा व्यवहार का कहो एक जाल लगा दिया, करवट तो बदल जाए विषय बदल जाए लेकिन नीचे न गिर पाए। ये मछली पकड़ने वाला जाल नहीं है जिसमें मछलियां फंसाई जा रही हो, ये सुरक्षा जाल है। इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो नीचे गिर जाएगा। मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में मोह भी नहीं है दुख भी नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव को जाने बिना अनादिकाल से मोह रूप परिणाम भी चला आ रहा है और उसके फल में दुख भी चला आ रहा है। एक क्षण भी सुख नहीं है, दुख ही दुख दुख दुख, कभी दुख मंद है कभी दुख तीव्र है। बहिरात्मा निरंतर दुखी ही है, उसी में कोई कल्पना करके सुख मान करके मगन हो जाता है। जिनवाणी में उसी रौद्र ध्यान कहा है, धर्म ध्यान नहीं। व्यवहार नए अनेक प्रकार का होता है, यदि आत्महित की भावना से अपने परिणामों की निर्मलता से को देखते हुए इस व्यवहार रूप धर्म ध्यान में प्रवृत्ति हो तो व्यवहार न ऐसे उसे धर्म ध्यान ही कहेंगे, रौद्र ध्यान नहीं कहेंगे। तो धर्म का जो कारण है वो धर्म ध्यान ही कहा जाए। पूर्वचर भले सम्यक दर्शन नहीं हो तो अभी धर्म ध्यान में, भैया वो तो धर्म ध्यान में लगा है। रामचंद्र जी ने क्या कहा, रावण जिन मंदिर में भले बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठा हो लेकिन हमें जिन मंदिर में विघ्न नहीं करना है। हार जीत विद्याओं से नहीं होती, हार जीत बाहर की पुण्य पाप से होती है। और नीति परक चरणान योग को देखें तो हाथ है सत्यमेव जयते, हार जीत पुण्य पाप से होती है। बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो क्या होगा, कि कुछ नहीं होगा। बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाने से क्या रावण युद्ध में जीत जाएगा, सीता मिल जाएगी उसे। लेकिन धर्मात्मा जी क्या कह रहे हैं, देखो रावण जिन मंदिर में बैठा है अपना, भले वो लौकिक प्रयोजन सहित बैठा है, हमको वहां विघ्न नहीं करना। विचार करो, अब जीव ग्यारह अंग नौ पूर्व पढ़ता है,
कैसे पढ़ता होगा, उसका उपयोग विपरीत करता। पंडित जी कह रहे हमारा उपयोग नहीं लगता, और पंडित जी कह रहे उपयोग लगाए तो लगे, गरज हो तो लगे, उसे अपना समझे तो लगे, अपना तो नहीं है तो उपयोग कहां से लगेगा। जो उपयोग सब्जी में घुले हुए नमक की कम ज्यादा को जान सकता है, वह उपयोग इस देह में रहने वाली आत्मा को कैसे नहीं जान पाएगा। झूठ बोलती हो, हमारी मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि वाले तो जीव जल्दी तिर जाएंगे, कुटिल बुद्धि वाले नहीं तिरेंगे। हमने कहा था ना त्रियंचों को सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वे ज्यादा बगाने बनाना नहीं जानते, काटना नहीं जानते, वे तो स्वीकार करना जानते। उनके अंतर में भक्ति है। श्री गुरु ने कहा बस स्वीकार किया, प्रमाण किया, सम्यक दर्शन हो गया। और ये निश्चय की बात को व्यवहार से काटेगा, व्यवहार की बात को निश्चय से काटेगा, और अपनी बात को एक बात को दूसरी से काटेगा, दूसरी तीसरी से काटेगा, काटता चला जाएगा। लौकिक में जानते हो क्या कहा है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलेगा, एक झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलता चला जाएगा। जो नहीं है, अरे भाई भूल गए, गलती हो गई, खत्म हो गया। क्या करें, शक्ति नहीं है, अरे दृष्टि नहीं है, भक्ति नहीं है, शक्ति कहां से आएगी। दृष्टि सम्यक हो और भक्ति हो तो शक्ति की कमी नहीं पड़ती। लेकिन बस जी क्या क्या करें, हमारी शक्ति नहीं, इतनी शक्ति है तुझे मालूम है, इतनी शक्ति है तेरे अंदर में, कितनी शक्ति है, है? तुझे होश है कुछ, दिव्य दृष्टि से तो अनंत शक्ति, भगवान सिद्ध भगवान बनने की शक्ति है, और पारिवारिक मैं से भी देखो तो कितनी शक्ति है, तत्व का निर्णय कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्रोध करने की शक्ति है और क्षमा करने की शक्ति नहीं है, झूठ क्यों बोलता है। क्रोध करने की शक्ति है और क्षमा करने की शक्ति नहीं, झूठ पे झूठ बोलते चले जाओ, एक जो एक कुतर कुतर करते चले जाओ, और जे नहीं है, है? उस झूठ को झूठ मानने की शक्ति हो। ये अनंतानुबंधी कसाएं हैं, अनंतानुबंधी कसाएं। कल अभी शाम को ही चर्चा चल रही है, या ये कसाएं कहीं नहीं रहने देंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे। ये बहुत सच्ची बात है एकदम। रहने का मतलब शरीर से रहना नहीं है, उपयोग पूर्वक रहना। उस दिन चली चर्चा चली थी महावीर के बोध का पात्र कौन है, उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला, दोष को उपयोग पूर्वक निकालने का उद्यमी। जिनवाणी का अभिप्राय ग्रहण करना कभी नीचे गिरने की बात नहीं आती, हुँ? क्या चर्चा आई, मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है इसलिए उसका अभाव संभव है, पर्याय में है, लेकिन पर्याय व्यधर्म है, एक ही क्षण में बदलती है और नई नई उत्पन्न होती है। मोह है, मोह है, ऐसा नहीं है कि मोह नहीं है, परंतु मोह पर्याय में है, कल्पना नहीं है, वास्तव में है मोह, और उसका फल है दुख है, ठीक है। मोह है परंतु मोह आत्मा का स्वभाव नहीं। दूसरा नंबर बोलो, अपन कई बार चर्चा करते हैं, वह मोह कोई दूसरा नहीं करा रहा, तो मोह है पर्याय में है, कौन सी पर्याय में है? अरे भाई तुम कहां से बोलते हो, ऐसी ओंगा नींदी का स्वाध्याय नहीं चल रहा। कौन सी पर्याय में, जो अपने से विमुख है उस पर्याय,
जो आत्मा से विमुख वह पर्याय ही संसार है। माने उस पर्याय में मोह है जिस पर्याय में जो पर्याय आत्मा से विमुख है। ललतन कुमार अंजन चोर क्यों बन गया? पिता से विमुख होगा, पिता को पिता नहीं समझता था। नहीं, हम ऐसा नहीं समझते, पिता को तो पिता समझते। झूठ बोलते भाई, पिता को पिता समझने वाला ललतांग कुमार अंजन चोर कैसे बनेगा? पिता को पिता नहीं समझता, सामने आ जाता है, अब नहीं करेंगे, है पैर छूता है, रोता है, और फिर जाकर के उन खोटी साथियों में पहुंच जाता, फिर करने लगता है। कुछ नहीं, पिताजी तो कहते रहते, कहने दो। ओ, इस धीरता का, पिता के अनादर का दुष्परिणाम था। लेकिन देखो संस्कार का फल किस दुरावस्था में पहुंच गया, और तो भी उस समय एकदम याद आ गई, हे तुम क्या करते हो? भयभीत भयभीत भय लगता है, झूठ बोलते हो। जैसे वास्तव में भय होता है वह तो सावधान रहता है, सावधान रहता है। भय लग जाए तो कम ही बन जाए। भय बिन प्रीत न होए गुसाई, ये चर्चा की थी। अस्ति करो तो क्या कहेंगे? जिसे संसार से भय हो उसी से तत्वों से प्रीति होती है, और तत्व से प्रीति होती तभी संसार से भय होता है। परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है, कर्म बंद का भय नहीं है, भय लगता है। पर्याय में मोह है, आत्मा से विमुख पर्याय में मोह है। उस मोह का भाव पर्याय आत्म सन्मुख हो जाए, हो जाएगा। आत्म सन्मुख होने पर उस पर्याय में मोह का भाव हो ही जाएगा, निश्चित है। जहां उसके सिरधन ने जोर मारा, क्या जोर मारा? आलम तालम कृष्ण जानम सेठ वचन प्रमाणम। ये तो बाद की बात है, इससे पहले क्या बात थी? माली से क्या कहा? तू कैसा पागल है, है? जिन भक्त सेठ झूठ बोल सकता है? एक तो उसने आकाशगामी विद्या की विधि बताई तुझे, और तुम कह रहे तुम झूठी भाई। तो चलो हटो, तुम नहीं कर पाओगे। श्रद्धा के बिना कोई कार्य नहीं होता, विपरीत श्रद्धा से संसार होता है, और सम्यक श्रद्धा से मोक्ष मार्ग होता है। श्रद्धा बिना कोई काम नहीं होगा। जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर अब आगे कोई बात ही नहीं। नहीं, वो श्रद्धा तो है, अपने अपने मतलब की श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा जिन आज्ञा प्रमाणम, बस हो गया काम, उतर के ऊपर चढ़ गया, रमुकार मंत्र भी भूल गया। छह उपसम कितना कम है, तुमसे ज्यादा है, कम था, तुम्हारा बहुत है। लेकिन तुम्हारा छह उपसम विपरीत मार्ग में लगा है, बचा कैसे जाए, टाला कैसे जाए, अपनी सफाई कैसे दी जाए। अपने आप तो स्वयं महंत रहना चाहता, टूटोमल जी ने ये लिखा है। महंत रहने का मतलब, मेहनत रहना नहीं चाहता, मेहनत दिखना चाहता। क्या करें, वो हमारा भाव तो बहुत है, हमारा फलाना, और वो हमारे पास टाइम नहीं। हमारी नींद लग गई, हमारा फलाना हो गया। आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता। अपना दोष कर्मादि को देता है,
जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति संभव नहीं है। हम यहाँ एक गाथा इसलिए पहुंचने लगे अभी कि देखो, मोह का भाव होता है आत्मा को जानने पर, आत्मा को जाने बिना मोह का भाव नहीं होता। अगर इसका विश्लेषण करें तो आप विचारना, मोह है पर में अपना, तो जब तक अपना अपना स्वरूप नहीं जाना तो पर में अपनापना कैसे मिटेगा। हमें मालूम ही नहीं कहाँ पीड़ा गौरव तो है, और वो बीमारी तुम्हें हो जाए अभ्याल पथ उपज जाए। विचार करो, अनबोलते बालक की पीड़ा माँ कैसे समझ लेती, बिना बोलने वाले बच्चे की पीड़ा माँ कैसे समझ लेती है, बिना बोलने वाले मनराज की विधि सावक कैसे समझ लेता है। लोगों को आश्चर्य होता है, भव्यों को आनंद होता है। श्रीयांश राजा से यही तो कह रहे थे लोग, हमें ये समझ में नहीं आई आप भगवान के अभिप्राय को समझ कैसे गए। भक्ति हो तो अभिप्राय समझ में आए, भक्ति नहीं है तो अभिप्राय समझ में क्या, हमें समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाहते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। हाँ बिल्कुल सही है। तो मोह का भाव आत्मा को जानने से होगा, परंतु आत्मा को जानने के लिए अनंत का जानना अनिवार्य है। निमित्त निमित्तिक ऐसा ही संबंध है, इच्छे उपशम ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है कि जब तक अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना जाए तब तक मोह का भाव नहीं होगा। इसके भी विश्लेषण किए थे, दो टुकड़े किए थे, पर्याय से जानने की क्या जरूरत है, द्रव्य दृष्टि से जान लो, मैं जो भगवान है सो हमारा स्वरूप है, जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा है मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस मोह का भाव हो गया, पर्याय की क्या जरूरत है। अगर हमने वितराग सर्वज्ञता को नहीं आना तो ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं मिटेगा। द्रव्य दृष्टि तो सभी समान है, फिर कुदेव सुदेव का अंतर कैसे करोगे, गुरु को गुरु का अंतर कैसे करोगे, तत्व को तत्व का अंतर कैसे करोगे। पुद्गल पुद्गल कह करके करोगे तो पथ और कुपथ में क्या अंतर होगा, वो पुद्गल है वो भी पुद्गल है। पथ और कुपथ में अंतर कैसे करोगे अगर तुम पुद्गल पुद्गल करोगे तो। अनंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, निर्णय करता है भली प्रकार से, उसके गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, तभी वो अनंत भगवान के समान ही उसी विधि से अपने स्वरूप को जानने का पात्र होता है। तब तक उस तब समझ में आती है वही विधि अंतर्मुख। शास्त्र का अर्थ अपने अभिप्राय से किया है, अपने अभिप्राय के शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया, ये रहा अक्षम अपराध है। कोई भी उपदेश को तुम अपने अभिप्राय के अनुसार ग्रहण कर लो और बाद बाकी छोड़ दो, नहीं पिताजी की जायदाद हमें चाहिए और पिताजी का कर्जा जी चुका है दूसरा भाई, वो अब सब हम ही कर रहे हैं, नहीं पिताजी की जायदाद हमको चाहिए और कर्जा तुम चुका, वो दो भाई थे हैं, एक बड़ा चालाक था, उन्हें एक गाय थी, उन्हें आधी आधी कर लिया बनता, आधी आधी कैसे करेंगे भैया बता तुम। अब वो दूसरा सीधा था बेचारा कि आगे आगे की तुम्हारी पीछे क्या हुआ, नहीं ठीक है तो आगे की तुम्हारी तो बने भूसा सानी सब तुम खवा और पीछे हमारी दूध हम दो लेंगे, क्या भैया व्यवस्था बनाई, ठीक है ना। अब
बेचारा सोचने लगा जी तो जाने बड़ी चारा की करी हमारे संग में, अब क्या करने, कोई बात नहीं। जैसे ही वो उसने समझा दिया सियाद बाजी कि सुनो हम बताते आगे की तुम्हारी है। तो जब वो दूध लेने बैठा सो उसने जहर के धंधा दिया आगे से भयक के बाल्टी भर के फगे क्या कर रहे, क्या हम अपने कर रहे तुम नहीं कर रहे, पीछे हम हाथों लगा तो हमसे कह दियो, ऐसी चालाकी मत करो क्या दिन दूध पियोगे, ऐसी चालाकी से क्या आगे आगे जो हमारी है खवाने पिवाने के लिए सेवा करने के लिए हम पे टाइम नहीं है, हम पे कुछ नहीं है, और सुनने के लिए हमें पढ़ने के लिए हमें बस, हम तो लाभ लेने हमें बाहरी बार लाभ बाहरी लाभ। शक्ति नहीं है, टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, सब उपयोग नहीं है। वाह अरे सच पूछो तो जितने भी दोष है वो मिथ्यात के साथ में, मिथ्यात गए बिना एक भी दोष नहीं आता, मिथ्यात गए बिना एक भी दोष नहीं आता, और मिथ्यात चले जाने पर फिर एक भी दोष नहीं बच पाएगा। एक आध डाली टूटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्ते फत्ते टूट गए तो कुछ बात ही नहीं है, एक आध डाली भी टूट गई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जड़ कट गई तो सबरी जीव और दांत की यही तो लड़ाई चली थी। वो जीव ने से दांत ने कहा ए बड़बड़ मत कर, 32 के बीच में रहती है फिर भी बड़बड़ कर रही, 32 है हम 32 है कर रहे सो कुचल के रख दिए। अब जीव सुनती रही फिर बोली सुन ए एक ऐसी कर दिए 32 है टूट जाएंगे सभी भूल जाए तुम चौकड़ी, एक हंसी मतलब विचार करो एक बात कह रही, अंधे के अंधे ही होते हैं ऐसी बात द्रौपदी की निकली और बस महाभारत खड़ा हो गया और द्रौपदी को अपमान सहन करना पड़ा। हंसी मजाक में बोले गए इस वाक्य का क्या फल आया, तो विचार करो अभिप्राय पूर्वक किए गए पाप कहाँ बुलाएंगे। पर्याय से अगर नहीं जाना जाए तो फिर जीव की दृष्टि से तो सब जीव समान है ही मम का बात, और तुम झूठ क्यों बोलते, तुम पर्याय से नहीं देखते, अगर पर्याय से नहीं देखते तो ये दुर्व्यवहार कैसे होते हैं। तुम कहते हो छोटे बड़े की भावना ईमान का आधार है, तो करो प्रतिज्ञा छोटा बड़ा नहीं समझेंगे, समझता है ना। द्रव्य दृष्टि पूर्वक पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, और पर्याय दृष्टि वाले को द्रव्य स्वभाव का ज्ञान भी नहीं होता, ध्यान रखना। द्रव्य दृष्टि पूर्वक वाले को तो पर्याय का ज्ञान वर्तता है, उसके जीवन में विवेक वर्तता है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान, ऐसा गाने वाला ऐसा विचारने वाला जीव, अब हो भव स्वामी मेरे मैं सदा से बताऊ। भगवान के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता है वह जो अपने को भगवान समझता है, हे प्रभु आज हमें अपने भगवान का भान हुआ, ये आपका ही प्रसाद है, नहीं हम कहाँ जानते हैं भगवान है भगवान है, कौन कौन कहने वाला है, कौन बताने वाला है। मोक्ष मार्ग में निरालंबी नहीं चला जाएगा, पहले से ही निरालंबी हो जाए तो क्या होगा। जिसे अभी खड़ा होना भी नहीं आया वो अकेला दौड़ पड़े तो क्या होगा, ये तो हम दृष्टांत दे रहे हैं, जिनसेन स्वामी ने ये दृष्टांत दिया है
महापुराण में, अंधा यदि अपरिचित मार्ग पर दौड़ने लगे तो गंतव्य को प्राप्त तो होगा नहीं, कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं कांटे फांटे लग जाएगा, कहीं टक्कर लगेगी, कहीं क्या होगा, गंतव्य पहुंचेगा कि हॉस्पिटल पहुंचेगा कि परलोक में पहुंचेगा। अंधा यदि जूस में आकर के दौड़ने लगे तो फिर क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा छोटा हुआ अज्ञान में रहे तो अंधा ही, और थोड़ा से जोश आया सो बस कुछ नहीं, क्या होते अनंत, क्या होते देव, क्या होते गुरु, क्या होते सास, कुछ नहीं, हम तो अपने आराम से अपने क्या है, समय तो चैतन्य भगवान हूँ, बस बैठ जाएगा, क्या होगा बताओ, मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग भी दुर्लभ हो जाएगा। जिनागम में निचली क्रिया का निषेध ऊपर चढ़ने के लिए किया गया है, जैसे आप ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखते हैं और पैर जमा करके नीचे से आराम से उठा लेते हैं, ऐसे ही ऊपर की सीढ़ी पर पैर जमाते जाओ और नीचे से उठाते जाओ, नीचे से ऊपर, नीचे से उठाते जाओ ऊपर जमाते जाओ, क्या करना है, क्या कह रहे हो, अब बताओ क्या करेंगे हम दोनों कही, अब कैसे कही होगी, अरे भले आदमी पैर धोए तो आए ऊपर कैसे जमाओगे और जमे बिना नीचे से कैसे उठाओगे, दो पैर है तुम्हारे पास, एक पैर उठाओ, एक वही जमा रहे, एक पैर उठाओ और उठा करके ऊपर जमा दो, तब दूसरा उठाओ, एक पैर उठाओ फिर जमा दो, फिर उठाओ फिर जमा दो, फिर उठाओ, दोनों पैर एक साथ उल उल चलिए जीना ने, अरे देख ले, अरे देख तो ले, सोचो क्या होगा, दृष्टि हटा लो पहले और दृष्टि ऊपर पहुंचा दो, अब आचरण में क्रम होगा, एक एक उठा दिया, जितने रागादि घटते जाए उतने आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओगे रागादि घटते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाओगे, सब सरल हो जाएगा। दो चार दिन पहले ही दर्शन दिया हमने, क्या बताओ, इतनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू कर दो, प्रतीक्षा मत करो, जितनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू कर दो, अगर आप बिल्कुल ऐसे ठहरे हैं एक रुपया भी आपके पास नहीं है, तुरंत जाकर के नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो, संजा हो आज की भाषा में 300 रुपए तुम्हारी गांठ में आ जाए, आया कि नहीं आया है, अब 300 की पूंजी से काम शुरू कर लेना, जो कुछ भी करना हो, दूसरे दिन 500 हो जाएंगे, तीसरे दिन होते चले आएंगे, मतलब जितनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू कर देना चाहिए। बोलो भाई, अब इसका प्रैक्टिकल एकदम अर्थ बोलो, जितना क्षेत्र है उतने से ही अभ्यास शुरू कर लो, जितना समय है उतने से ही उतने समय करने लगो, फिर अपने आप पानी पानी को खींचता हुआ पानी में जैसे मिल जाता है, जैसे वह पूंजी बढ़ती चली जाती है, व्यापार में होने वाला लाभ हमको वहां कुशल बनाता जाता है, ऐसे ही यहाँ रुचि लगेगी तुम, बस हम पे तो 15 मिनट है, 15 मिनट पढ़ो और मन लगेगा, सो 15 मिनट के बाद अपने आप 20 मिनट होने लगेंगे, दर्शन करो मन लगेगा अपने आप पूजा होने लगेगी, एक पूजा करो टाइम थोड़ा एक पूजा कर ले है, लेकिन जब मन लगेगा अपने आप दूसरी होने लगेगी, जितना समय है जितनी शक्ति है जितना ये ज्ञान वैराग्य है उसके हिसाब से आप अपना रत्न त्रय का व्यापार शुरू करने लगो, आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे अपने आप शक्ति बढ़ती जाएगी, क्यों बोलो,
क्यों बोलेगी? कि शक्ति भी आत्मा की स्वभाव है। आत्मा में जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसे एक वीर शक्ति भी है। ऐसा नहीं है ज्ञान दर्शन सुख है और वीर बाहर से, शक्ति बाहर से आई। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अकेला ज्ञान ही है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के साथ में वीर शक्ति भी है, स्वच्छत शक्ति भी है। वो स्वच्छता आती आएगी आपके पास, सारा तुम्हें स्पष्ट भाषित होने लगेगा। कभी कभी तुमने शास्त्र पढ़ने वाले के और विचार करने वालों को देखा, भैया सब देख लो, कछु नहीं है संसार में। उसको नया होता जाता कि नहीं होता जाता, कछु नहीं फायदा। इतने उतने घूमत फिरो, घूमया, कछु नहीं, कोई फायदा नहीं। सब देख लो, कैसे देख लिया, कहाँ देख लिया? आगम चक्षु साहु, आगम से देखा। कहाँ देखा बोलो? चक्रवर्तियों को देख लो। अगर भोगों से सुख की कल्पना करती हो तो चक्रवर्तियों को देखो, इंद्रादिक को देख लो। छह उत्सव में देखना हो तो ग्यारह अंग नौ पूर्व पाठियों को देख लो। देखो कैसे देखोगे? आगम चक्षु साहु। जैसे नक्शा में वो कागज के नक्शे में सारा मार्ग देख लेता है, देख लेता है ना, यहाँ से ये सड़क है, इतने किलोमीटर है, यहाँ से ये है। अब तो जी बच्चे तुम्हारे सब वो वहां में देखते है, भगवान नहीं देखा है। लेकिन जी बताओ, मोबाइल की सड़क, वो सड़क का ज्ञान भले करने में निमित्त हो जाए, लेकिन बता पहुंचाएगी तो नहीं? शायद बताएगी। ऐसी जनवाणी का जो अभ्यास है वो आपको ज्ञानाभ्यास का स्वरूप बताएगा। जिनवाणी का अभ्यास ज्ञान अभ्यास का स्वरूप बताएगा, ज्ञान का स्वरूप बताएगा, सुख का स्वरूप बताएगा, जो तुम भूले बैठे हो। धर्म का स्वरूप बताएगा, ऊपर चढ़ते चलेगा क्रम से, बिना क्रम के या उल्टे क्रम से नहीं चल पाओगे, उल्टे क्रम से नहीं चलोगे। दो पैर हैं, एक पैर उठा करके ऊपर जमा, एक वहीं बैठ रहे। वो दृष्टांत तुमने सुना ना, उस स्त्री ने कहा, ये बता जो पट्टी काय बंधी है। वो दृष्टांत याद तो आएगा होगा, पूरा दृष्टांत थोड़ी सुनाना है। ये पट्टी काय बांध रही? अरे पट्टी का बांध रही, वो ज्योति कह रहा था कि अपनी स्त्री को देखेगा तो अंधा हो जाएगा। बोले हमारे पास भी एक ज्योति आया था, वो स्त्री बोली, वो कह रहा था जब तक तुम्हारा पति तुम्हें नहीं देखेगा तब तक उसका व्यापार चलेगा ही नहीं, उसकी व्यापार में लाभ ही नहीं होगा, ऐसे ही घाटा होता रहेगा। बोले गजब की ज्योति होती, हमसे कह रहा है ये और तुमसे कह रहा है ये, अब अपन क्या करें? बोले अब काम ऐसा करो, एक खोलो, अगर मान लो फूटी भी तो एक ही फूटेगी, एक से काम चलाओगे, लेकिन व्यापार में कम से कम, और नहीं फूटी तो काय को परेशान, भ्रम टूटेगा। उसकी समझ में आ गई, भवितव्य के अनुसार सारा काम बनता है, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। जिसकी नरकारिक गति बन जाती है उसको संयम का भाव नहीं होता, धर्म में मन नहीं लगता, समझ में आया ना। उसने एक खोली और देखने लगा, बोले कितनी देर हो गई, वाह ये तो रूप हमने देखा ही नहीं था, इतना सुंदर, वो कहां हम पड़े थे वैसे, बाकी जाके सामने कछु है ही नहीं, पान की धोन नहीं है, ये भ्रम टूट गया, अंधा हो गया सचमुच उसे देखने के लिए। वो सही कहता था, अगर ये अपनी स्त्री को देख लेगा मुझे देखने के लिए अंधा हो जाएगा, अब कौन देखेगा जो बता। और नहीं, अब एक काम करो, जाय बंद कर ले,
और जहां खोलो साहित्य फूटे, जहां में हो कहीं जेब खोली और जहां बंद कर दी हो बंद करे। अब इसे ये भी नहीं फूटी, ये भी नहीं फूटी, खोल डाल पट्टी। अब जो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठाक है पट्टी खोल दी, बेसिया के जाना बंद हो गया, व्यसन छूट गया, व्यापार में उपयोग लगने लगा, पुण्य का बंद हुआ, पाप का क्षय हुआ, लाभ भी होने लगा। कौन से अनियोग अलग अलग है बताओ? अब जब तुम वहां रहने हो, यहाँ उपयोग नहीं लगेगा, जो काम बिना उपयोग के करेंगे तो कैसे लाभ होगा? ये तो हम कई बार कह चुके, आधे अधूरे मन से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। कार्य करना है तो एकाग्रता चाहिए, मन ताय सुनो भाई मन थे रहन, आधे अधूरे तुम बैठे यहाँ मन कहूं है का माला से होगो, का स्वाध्याय से होगो, का पूजा से होगो। एक एक क्रम से चलते जाओ, बताओ थोड़ा सा। अब आप बहुत ऊपर से बताते हो, हम बहुत नीचे से चलेंगे। बोलो, कुसंग को छोड़ो, सत्संग करो। ये हो गई पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी है जा? कुसंग को छोड़ो, सत्संग, अपनी कल्पनाएं छोड़ो, निर्णय करने में उपयोग। अगर जब तक तुम अपनी कल्पनाएं रखे हुए चलाते रहोगे, वो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हमने आपको दृष्टांत की भाषा में कहा था, अगर गोबर की डली लगा करके फूल पर भी जाएगा तो है तो फूल, बाग है वहां दुर्गंध नाम की कोई स्थान है ही नहीं, कुछ सुगंध है, सुगंध सुंदर, सुगंध भीनी भीनी सुगंध, लेकिन अगर गोबर की डली को नहीं निकालेगा तो वहां बैठ करके भी, अगर तू पर्दव्य में अपना तो छोड़े बिना, भोगों में सुख बुद्धि छोड़े बिना, मौत को मंद किए बिना, जिन मंदिर में आकर के भी बैठेगा, जिनवाणी में आकर के बैठेगा, गुरु के चरणों में भी बैठेगा, नहीं होगा, चित्त वहीं लगा है, चित्त वहां लगा है, याद आती है। सभी ने कुछ कहा था भैया, याद इसलिए आती है हम दुखी होते हैं, तुम्हें चालाकी नहीं आ रही, होशियारी नहीं आ रही। अरे उसकी याद आए उससे पहले ही तुम अपने स्वरूप की याद करने लगो, आजकल गर्मी है, लू चलती है, पुराने लोगों से पूछो, नंबर एक तो दोपहर में लू में घर से निकलो मत। अब ये कैसे संभव है बता? तुमने तो कह देगी, अब दुकान पे जाने, ऑफिस में जाने, बाजार जाने, पहले तो निकलो मत, लेकिन अगर निकलना है तो घर से पानी पी करके निकलो, सड़ी गली चीजें मत खाओ, सिर पर अपनी छाया रखो, और कोई उपाय नहीं। उस दिन भिंड में बैठे अपनी भैया दोपहर में तुम आ गए, बोली छाता ले आते, हमें हमने कहा देखो छाता ले आए तो धूप का तपन बच गई, ऐसी भगवान की छत्र छाया हमारे सिर पर रहेगी तो बताओ इस संसार की तपन हमारा क्या करेगी। वहां तो छाता लगाया और यहाँ समता का छाता नहीं लगाया तो कौन बचाएगा तुम्हें? थोड़ी थोड़ी सहन करते जाओ, सहन करते जाओ, सहन शक्ति बढ़ती आएगी, और जरा जरा सी बातें सहन नहीं करोगे, सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। निश्चय है ये बात, बिल्कुल सही बात है। आप सुकुमार से भी ज्यादा बड़ा परिचय होगा तो भी सहन कर लोगे, आत्मा में अनंत शक्ति है। कमर से ज्यादा बड़ा सही परिचय भी होगा तो तुम सहन कर लोगे, सहन करने की आदत भी जानो और सहन करने की विधि भी जानो। कितनी तेज स्पीड से चक्की चल रही हो, चीनी के सारे रहने वाले दानों को पीसने में समर्थ नहीं होती, कितनी तेज चले चक्की, इतनी तेज पाठ भी पिस जाए, कहे पत्थर आ जाता था और भी दांती करते थे ना, वो घिस जाते थे, तीन चार दिन में फिर टांकने पड़ती। अब तो वो मसाले के पाठ बनने लगे ना,
स्टील गन वो पाठ के पत्थर पस जाते समझ लो, बहुत तेज स्पीड, बहुत गर्म आटा हो जाता ना तो बात है। लेकिन ऐसी इतने उद्वेग में भी कीड़ी के सहारे तुम पकड़े रहो, देखे तो वही कोई कछ बीच के बता देगा। इस चैतन्य के सहारे रहो, भगवंतों के सहारे रहो, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। अपने अपने मर्यादा को नहीं छोड़ोगे तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रानी नहीं डिगा सकी शेख सुदर्शन चित, क्या करेगी रानी। रानी के यहां गए नहीं थे लेकिन कैसे फंस गए थे जा करके, और तो अभी रानी क्या कर सकती है। वह रानी उसी को डिगाने में निमित्त है जो स्वयं से डिगे है, जो स्वयं अपने अविकारी स्वभाव से च्युत होकर के विकार रूप परिणमित होता है। तो परद्रव्य निमित्त मात्र है, परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है। ऐसे क्रम से चलते जाओ, अनियोग में एक कहीं उसकी हीनता कहीं उसके ऊपर चढ़ने के लिए, फिर उसकी भी हीनता कहीं ऊपर चढ़ने के लिए, फिर उसकी भी हीनता कहीं ऊपर चढ़ने के लिए। तो सिस्टम है, कुसंग को छोड़ करके सत्संग में आ जाओ। हाँ, कुगुरुओं को छोड़ करके गुरुओं की सानिध्य में आ जाओ। और यहाँ जमा लो अपनी पढ़ने, ऐसी लगने लगे जैसा तुम्हें घर वहां लगने लगता है, ऐसा घर यहाँ लगने लगे। अब घर जाने कहाँ जाने यही पतो नहीं है। एक बात बताओ, एक कन्या का विवाह हो गया, अब वो विवाह होकर के आ गई, अब वो सोचती घर जाने, अब 3-4-8 दिन तो हो गए, 2 महीना तो हो गए, अरे भले आदमी जिंदगी भर तो यही रहने। अब क्यों, अगर उसको ये लगता है इसका मतलब है वो विवाह विवाह को समझती नहीं। उस कन्या का विवाह हो गया, फिर तो जाएगी तो वहां मेहमानी की तरह जाएगी, घर आ गई। अब क्या, अब तो यही रहना, यही तो हमारा घर है। कौन का घर, किसका घर, कैसा घर, किसका व्यापार, किसका लाभ, किसकी धंधा, किसका नुकसान, किसका कर। एक जमाने का मतलब ये है, ऐसी अंदर में तत्व निर्णय की बल से, तत्व विचार की बल से ऐसी भावना जग जाए, यहाँ अपनत्व आ जाए, यहाँ बुद्धि दौड़ने लगे। जैसे घर में दिमाग चलता है ऐसे यहाँ दिमाग चलने लगे। कहे अब सोच रहे एक कमरा बनवाने, अब लड़का को ब्याह होने बहू फहू आएगी है, और यहाँ हम समझते ही नहीं, हम समझते ही हम कहा हम का हमें का लेने दे, हम का करें आराम से रह रहे हम। अरे वाह, सम्यक्त की बातें करने से सम्यक तो नहीं होता, सम्यक्त की भावना मात्र से भी सम्यक तो नहीं होता। तत्व निर्णय पूर्वक भेद ज्ञान करे और भेद ज्ञान पूर्वक अंतर में उपयोग ढले तब सम्यक तो होता है, स्वरूप है। ऐसी चढ़ती जाओ हीन उसकी व्रत को, अव्रत को छुड़ा करके व्रत अंगीकार करे, पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा, और फिर व्रतों के विकल्प को भी छोड़ करके परमार्थ व्रत को प्राप्त हो जाए। विकल्प व्रत नहीं छूटेंगे, व्रत के विकल्प छूटेंगे। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के ऐसे कारण है, मोक्ष में इनका अभाव नहीं होता। समझ में आया, कैसे, जैसे वृक्ष के अंकुरे का अभाव नहीं होता, वो अंकुरा तना बन जाता है, ऐसे ही सम्यक तो अवगार सम्यक हो जाता है, परमावगार सम्यक हो जाता है, इसका अभाव नहीं होता। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाता है, इसका अभाव नहीं होता, मिथ्या ज्ञान कभी नहीं होगा। वितरागता बढ़ती चली जाती है, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, सुख भी अनंत हो जाता है। विचारना। ओम नमः।